नहीं दिया, विद्यार्थियों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जेएनयू में विद्यार्थी जब आंदोलन कर रहे थे, किस तरीके से आपने देखा सीआरपीएफ के जवान जबरन जेएनयू के अंदर घुस के विद्यार्थियों को, बीमारों को, विकलांगों को जबरन किस तरीके से हाईजेक किया, किस तरीके से दमनकारी नीति के द्वारा उनको प्रताड़ित किया, देश की जनता सब देख रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि उन्नाव से बीजेपी के जो सांसद हैं वो उन्नाव पीड़िता को मिलने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन जो बलात्कार के जो आरोपी हैं कुलदीप सेंगर उनको मिलने भी जाते हैं, और अभी 5 तारीख उनका जन्मदिन था तो जन्मदिन भी मिस करते हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि बीजेपी जो बात करती थी बेटी बचाओ, जो बेटी पढ़ाओ, या जो नहीं, बीजेपी का नारा था बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी कुछ तो शर्म करो, आप अपने कथनी और करनी में कितने फर्क लाते हो। अगर हैदराबाद की घटना से कल दीपावली मनाने का मन कर रहा था, तो आज जो यूपी की घटना हुई, मन करता है मुंह पे काली पोत के घर में सो जाऊं, विवश हूं, लाचार हूं। लोगों को सड़क पर निकलना होगा, इंसाफ लेना होगा, अपनी बहू बेटियों के लिए, अपनी माओं के लिए, चाहे आप किसी जाति धर्म के लोग हों। क्या रातों रात देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नोटबंदी कर सकते हैं, तो क्या हमारे देश के बहू बेटियों के लिए आप कानून नहीं बना सकते? शर्म करो लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर हमारे पैसों से अय्याशी की जिंदगी जीने वाले सांसदों, चाहे वो किसी भी दल के हों, आपको हमारी बहू बेटियों के लिए, हमारी माओ के लिए कानून बनाना होगा। आप जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे, क्या बम फोड़ना ही आतंकवाद है? क्या जाति धर्म पर बांटना समाज को जो भाईचारगी है, अमन चैन छीनना आतंकवादी नहीं कहलाता? ये वो लोग हैं नाथूराम गोडसे जैसे भारत के प्रथम आतंकवादी के समर्थक लोग हैं, ये वीर सावरकर जैसे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती? लेकिन आपको लग रहा है कि जिस मौन क्यों है, क्या आपने करोड़ों की सौदेबाजी कर रखी है? क्या आपको नहीं दिख रहा कि भारत में क्या कुव्यवस्था फैली है? क्या हमारी माँ बहन बेटियों के साथ क्या होता है? 10 साल की गुड़िया हो या 60 साल की गुड़िया हो, कोई महफूज नहीं है। 55 साल की औरत के साथ किस तरीके से दरिंदगी किया गया दिल्ली के अंदर में, जहाँ गृह मंत्री बैठते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो देश के सुदूर गाँव में क्या हाल होता होगा? शर्म करना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। ये लोग, इनके सारे मंत्री फेल हैं। इनके मंत्री कहते हैं पंजाब में किसानों का पराली जलता है तो प्रदूषण फैलता है। अरे भाई, कहाँ से पढ़ के आए हो आप? आज पंजाब में पराली नहीं जल रहा है, पाकिस्तान में पराली नहीं जल रहा है, दिल्ली में अवैध पार्किंग की समस्या से प्रदूषण है, लोग बीमारी से ग्रसित होने को मजबूर हैं। आपने कृत्रिम तरीके से लोगों को बीमार करने का काम किया है। आप अवैध पार्किंग की समस्या का निजात करते तो देश का 6,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपया बचता। आप कहते हैं पढ़े लिखे, ये लोग चाय शास्त्र पढ़ के आए हैं, ये अर्थशास्त्र पढ़ के नहीं आए हैं। अगर ये चाय शास्त्र में क्या पता चलेगा, दूध में पानी डालते रहो, पत्ती डालते रहो, चीनी डालते रहो, गर्म करो, दे दो, इन्होंने ये कदम सिखाया, फेंकते रहो। ये हिटलर के भाई जुटलर है। हिटलर कहता था, हिटलर फासिस्ट था, वो कहता था आदमी जिंदा रहने को ही विकास समझे। आज हिटलर के भाई जुटलर मोदी जी कहते हैं लोग हिंदुस्तान में जिंदा रहने को ही अपना विकास समझे। कैसे जिंदा रहने को विकास समझे भाई? हम उस वंश में जन्म लिए हैं जिस वंश में खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जन्म लिए हैं। हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, हम न्याय करेंगे, हमारे पूर्वजों का काम है पाप पुण्य कर्मों के आधार पर फैसला देना, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें बहुत सारे लोग, भाजपा के कुछ लोग धमकी दे रहे थे कि झूठे मुकदमा में फंसा दूंगा, तुम्हारी हत्या हो जाएगी, मैं डरता नहीं हूँ। मैं एक एक परत पर, हर चैनल पर, हर गांव गांव में घूम के, हर मोहल्ले मोहल्ले में घूम के देश के लोगों को जागरूक कराऊंगा, मैं डरता नहीं। लोगों में जो है भयंकर गुस्सा है, और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।